जब माँ नहीं कुछ कर पाई लाल बबुआ कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी बिक चुकी है लेकिन जनता नहीं बिकेगी। कोई मतलब बसपा तो खत्म हो जी, रेट चढ़ाया जा रहा था, पैसा कौन ज्यादा देगा। जो भी लड़ेगा कांग्रेस से लड़ेगा, हाथ के पंजे वाले अखिलेश यादव से लड़ेगा। जो संघर्ष करने वाले लोग थे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जो लाठियां खाए, जो जेल गए, उनको टिकट नहीं दिया गया। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी अभियान बना लेंगे। अखिलेश यादव जीत रहा है, जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा, जीतेगा। अखिलेश यादव दिने जीतेगा। अखिलेश यादव पंजाबिस्तान जिंदाबाद। यूपी में कल चौथे चरण का मतदान है, जिसके बाद 172 सीटों पर मतदान होना बाकी है। चुनाव के पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान लगा रही हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच ताल ठोक रहे हैं। भाजपा को लोगों ने उनके विधायक जी को देखा, उनके पुत्र लाल बबुआ है, उनको तो जब माने कुछ कर पाए लाल बबुआ कर पाएंगे। बसपा का कोई वजूद ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। रही समाजवादी पार्टी, इस बार देखा आपने किस तरीके से टिकट रेट चढ़ाया जा रहा था, पैसा कौन ज़्यादा देगा, तो टिकट बेचा गया। और ऐसे व्यक्ति जो अभी तक बसपा से इस्तीफा नहीं दिया, एक घंटे पहले उसको टिकट दे दिया गया, एक घंटे जब बचा जो पैसा ज़्यादा दिया उसको टिकट दिया गया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो मूल वोट की बात करती है, उस प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी का है, उसके पिता के ऊपर चार चार यादवों के हत्या के आरोप है, चार चार यादवों की हत्या की है। ऐसे हत्यारे को टिकट देना क्या उचित था? और कोई समाजवादी पार्टी में जो संघर्ष करने वाले लोग थे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जो लाठियां खाए, जो जेल गए, उनको टिकट नहीं दिया गया। पैसे वाले को, जो इसके पैसे से खरीद लिया, वो जनमानस को खरीद नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी बिक चुकी है लेकिन जनता नहीं बिकेगी। जनता उन्हें उनकी सबक सिखा दे करिए। वो व्यापारी अपना व्यापार करेंगे, व्यापारी कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता, जनता की सेवा नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ व्यवसायी होता है। राजनीति सिर्फ वो व्यवसाय के पर्पज से आया है, तो इसलिए कभी वो अच्छा नहीं हो सकता। इस दौरान कांग्रेस के बीकापुर विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जीत रहा है, जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा, जीतेगा। अखिलेश यादव दिने और अखिलेश यादव ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हम लोगों ने मौजूदा सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है। साथ ही कहा कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं, जनता सब जानती है कि कौन सी पार्टी उनके हक के लिए खड़ी होती है, इसका फैसला जनता वोट देकर करेगी। मैं कोई कांग्रेस से किसी की फाइट, जो लड़ेगा तो कांग्रेस से लड़ेगा, कोई लड़ाई में नहीं है। आखिर में जितने सपा बसपा भाजपा के कैंडिडेट हैं, ये जब जुल्म और जाति हो रही थी तो ये लोग कहाँ थे? आज 10 दिन जब नामांकन को हुआ उसके बाद जनता की अदालत में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता सब जानती है। हम लोग 5 साल इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी जो बढ़ती हुई उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, संघर्ष किए हैं, सड़कों पे धरना प्रदर्शन आंदोलन, मुकदमे इनाम मिले, जेल की सलाखों के पीछे भी रहे, तो हम लोग लड़ने बढ़ने वाले लोग हैं। जनता सब जानती है कौन मेरे हक की लड़ाई लड़ेगा, कौन अपने घर में बैठा रहेगा। तो इन बहुरूपियों को जनता समझ रही है। इन जो भी लड़ेगा कांग्रेस से लड़ेगा, हाथ के पंजे वाले अखिलेश यादव से लड़ेगा, कोई लड़ाई में नहीं है, लगा रहता है। उनको हो सकता है कुछ जल्दबाजी रही होगी कि कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ उनका निर्णय जो है वो गलत है। जल्दबाजी में उन्होंने निर्णय लिया, पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया था, प्रदेश सचिव बनाया, लखनऊ जैसे क्षेत्र का प्रभारी बनाया, तो उनका डिसीजन गलत है। तो उनको ऐसे ही पार्टी ने सम्मान दिया था, हमें लगता है उनका निर्णय गलत था और गलत है। वो भी मैदान में है बसंत, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कहीं जो कुछ भी नहीं है, कोई मतलब बसपा तो खत्म हो जी। जो आज समाजवादी पार्टी ने बीकापुर में टिकट बेचा है, वही बसपा करती थी, आज उसके मुंह लोट सब समझ चुके हैं, इसलिए निश्चित सब कुछ खत्म हो चुका। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है, कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं, लेकिन चैलेंज इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अयोध्या से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आजम खान मोनो की रिपोर्ट।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम निश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।